नमस्कार, आपका स्वागत है इंदौरिया टाइम्स में। मैं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुरुआत करते हैं कोटपुतली से। 6 घंटे में दोनों नाबालिग मुलजिमों को निरुद्ध कर डाला दोपहर 2 बजे सरूंद थाना अंतर्गत निकटवर्ती ग्राम नारेहडा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के इतिहास के व्याख्याता नटवर सिंह यादव पर इसी ही स्कूल के पूर्व छात्र द्वारा नारेहडा चिमनपुरा रोड पर बीच सड़क फायरिंग कर गोली चला दी गई थी। गोली शिक्षक की जांघ पर और हमलावर फरार हो गए। गंभीर हालत में शिक्षक नटवर सिंह यादव को स्थानीय राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। तो वही घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस एएसपी रामकुमार कसवा के नेतृत्व में उपाधीक्षक दिनेश यादव एवं सरून थाना इंचार्ज इंद्राज सिंह सहित सर्किल के चारों थाना के स्टाफ के द्वारा दोनों नाबालिग मुलजिमों को हरियाणा से खेतों में ऑपरेशन चलाकर निरुद्ध कर दिया गया। आज सरोन थाना क्षेत्र के नारेडा गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के व्याख्याता नटवर यादव जी जब जा रहे थे अपने घर पे चिमनपुरा के आसपास, दो लड़के बाइक पर आए, उन्होंने उनके साथ रोका और फायरिंग की, जिसमें उनकी जान की गोली लगी। बाद में घायल होने पर उनको बीडीएम हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया और जयपुर रेफर किया गया, जिसमें 307 आईपीसी के तहत जान से मारने की नीयत से हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया सरूर थाना में, और मुलजिमों की तलाश शुरू की गई। और सीओ साहब कोटपुतली दिनेश जी, एसएचओ कोटपुतली दिलीप, एसएचओ पनियाला इंद्राज, इन सबके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें 30-35 लोग शामिल हुए। सभी ने जब इसका पीछा किया, जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे फायरिंग करने के बाद में, तो पता चला कि वो हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाद में पूरी टीम ने उनका पीछा किया और चीमा की ढाणी तन नायन, जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर जब ये फसल, जो बाजरे की फसल है, उसमें घुस गए मोटरसाइकिल छोड़ के। मोटरसाइकिल को हमने बरामद किया और बाद में उस खेत को चारों तरफ से घेरा और करीब 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद में इन दोनों लड़कों को निरुद्ध किया गया, जो कि नाबालिग हैं, और आगे की कार्रवाई एसएचओ सरोन द्वारा की जा रही है। हथियार के बारे में अभी तलाश की जा रही है, इनसे पूछताछ करके इसमें बरामदगी की जाएगी।